हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतीक्षा त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथिक बुक ऐप। आज हम लोग देखेंगे रूब्रिक विजन ऑफ सिंगल मेडिसिन, जो कि ली गई है बॉनिंग हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक से। तो इसमें कुछ हम कैरेक्टर ऑफ स्टूल देखेंगे और उनमें क्या मेडिसिन यूज हो रही हैं वो देखेंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर ऑफ स्टूल दे दिया जाता है, फिर उनमें क्या मेडिसिन यूज हो रही है उसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टर लाइक बीटन एग, जिस तरह के से अंडे को फोड़ के डाल दिया जाता है, उस तरह का स्टूल अगर हो रहा है तो उसमें नक्स मोस्टाटा मेडिसिन यूज करते हैं। एज इफ चॉप्ड, यदि किसी चीज को चॉप्ड कर देते हैं, अगर उस तरह का स्टूल हो रहा है तो उसमें मेडिसिन यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। इफ लाइक चॉप्ड स्पिनाच, जिस तरह से पालक को छोटा छोटा ग्रीन कलर का काट के डाल देते हैं, उस तरह का अगर स्टूल हो तो उसमें मेडिसिन यूज करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि हम लोग देखते हैं टीथ इन ग्रोइंग चिल्ड्रन में। ये सिम्टम जनरली उसी में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टूल फ्लैटेंड, यदि स्टूल का कैरेक्टर फ्लैटेंड है, वो चपटा होता है, तो उसमें मेडिसिन हम यूज करेंगे पल्सेटिला। इफ स्टूल कैरेक्टर इज लाइक पुट्टी, यदि पुट्टी की तरह स्टूल हो रहा है तो उसमें मेडिसिन देंगे मर्कायोड फ्लोरिकम। और यदि स्टूल का करेक्टर है स्लिपिंग बैक अगेन, कि जब स्टूल पास होता है तो वो बाहर तक आता है फिर बैक स्लिप हो जाता है, तो इसमें मेडिसिन हम यूज करेंगे साइलेसिया। अब देखते हैं कुछ अलग से मेडिसिन कि जो यूज होते हैं कॉज ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ डायरिया, कि जैसे हमने कुछ खा पी लिया है उसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो हम क्या मेडिसिन लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम फ्रूट एंड स्वीट मीट्स, कि यदि पेशेंट आया और वो कहता है कि उसने फ्रूट ले खाया है, फ्रूट कोई भी फ्रूट ले रहा है, स्वीट मीट ले रहा है, तो उसकी वजह से उसको डायरिया हो रहा है, तो उसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे गम्बोजिया। फ्रॉम इम्प्योर वाटर, यदि पेशेंट कभी भी इम्प्योर वाटर पी लेता है, कहीं से भी इन्फेक्टेड वाटर ले ले रहा है, तो या जगह चेंज होने से कहीं से भी दूसरा वाटर यूज कर रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, तो उसमें मेडिसिन हम देंगे जिंजीवर। फ्रॉम मिल्क, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध पीने से उनको डायरिया हो जाता है, तो इसमें हम मेडिसिन यूज करेंगे निकोलम। निकोलम को अगर हम कुछ दिन तक कंटिन्यूस रखते हैं तो ये सिम्टम ठीक हो जाता है। एज सून एज ही ड्रिंक, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जैसे ही कुछ पी रहे हैं और डायरिया हो जा रहा है, तो इसमें हम मेडिसिन यूज करेंगे थ्रोम्बिडियम। और यदि डायरिया हो रहा है नर्वसनेस की वजह से, स्टेज फियर है, फियर ऑफ डांस, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, तो उसमें हम मेडिसिन करेंगे यूज करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम। या एग्जाम की वजह से डायरिया हो रहा है, किसी भी भीड़ भाड़ वाले प्लेस प्लेस में जाने पर हो रहा है, या कुछ भी, तो उसमें हम मेडिसिन यूज करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। थैंक यू।